असलामुअलैकुम। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखना था। इसका गेट नंबर फर्स्ट ये था और जैसे ही मैं एंटर हुई मुझे लगा कि आगे जाकर थोड़ी सी जगह पे बस यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, बट यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी कि मेरी और आपकी सोच से तो बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मैं खुद देख के शॉक्ड हो गई थी यार। यूँ फीलिंग आई थी, एक जंगल जंगल फीलिंग आ रही थी। और दूसरा, आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने के लिए अगर आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप वॉक डिस्टेंस से जा सकते हो, मीन्स के पैदल जा सकते हो, तो आप जाएं, वरना आप नहीं जा सकते। आपको कोई ऑटो या कराना पड़ेगा, इतना है। तो हमारे में इतनी कैपेसिटी थी, हम चलते गए। हमें नहीं पता किसका डिपार्टमेंट कहाँ से कहाँ तक है। वो तो जहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको पता होगा कि इनकी कैंटीन थी। यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स का एक टुगेदर सिस्टम था, बट हमें ये कैंटीन की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, फजूल सी कैंटीन थी। उसके बाद ये चाइनीज़ वालों का कुछ लिखा हुआ था जो कि मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा, मेरी फ्रेंड ने कहा कि मुझे ये इनकी दूसरी कैंटीन थी सॉरी ये इनकी दूसरी कैंटीन थी और ये भी बड़ी सी काफ़ी थी। और उसके बाद मेरी दोस्त ने कहा कि मुझे जाना है उधर, के कहते हैं लाइब्रेरी जाना है। बट हम लोग लाइब्रेरी पहुँच तो गए थे, बट बहुत बड़ा प्रोसेस था, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये भी सियासी माशात वाला कोई डिपार्टमेंट था। तो इनके डिपार्टमेंट इतने थे यार, और इतने ड्राई सब्जेक्ट्स थे ना कि मीन्स मैं सब्जेक्ट्स के नाम देख देख के ही घूम रहा था मेरा सर। और ये वॉशरूम में ना कोई मसाज वाले का नंबर लिखा होता, मेरी फ्रेंड मुझे ज़बरदस्ती खींच के ले गई कि इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, अपने ब्लॉग में कैप्चर करो ताकि उसकी ना फेमस हो, वो भी कोई ना मसाज वगैरह जिसने करवाना है वो करवाए। तो उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी की तरफ गए, तो हम लोग रास्ता पूछ पूछ के फाइनली लाइब्रेरी की तरफ जब जाने लगे, तो जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है और आप आउटसाइडर तो जा ही नहीं सकते इसमें। तो ये हम लाइब्रेरी पहुँच चुके थे, हमने यहाँ से पता किया, तो हमें पता चला कि आपको 250 का फॉर्म लेना पड़ेगा, उसको फिल करना पड़ेगा और फिर उसको अपने डिपार्टमेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, तब आपकी एंट्रेंस होगी। अब हमारा तो कोई डिपार्टमेंट था नहीं, तो इसलिए हम लोग लाइब्रेरी नहीं जा सके। और मेरी फ्रेंड को बहुत अफसोस हुआ और मुझे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने सुना था ये यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो सॉरी मैं आप लोगों के लिए भी कैप्चर नहीं कर पाई, मैं खुद भी नहीं देख पाई। तो उसके बाद जब हम लोग लाइब्रेरी से निकले और हम लोग आगे गए, तो आगे एक अंडरग्राउंड सिस्टम था यार। मैं उसको देख के तो और ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, मीन्स मुझे था कि यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ये अंडरग्राउंड था और इस साइड पर बॉयज़ और गर्ल्स के हॉस्टल भी थे। मैं बहुत ज़्यादा शौक थी, मैंने कहा यार मीन्स के यहाँ पे तो पूरा शॉपिंग मॉल, पता नहीं क्या कुछ नहीं बन सकता। अभी तो इनकी कुछ जगह बहुत ज़्यादा खाली भी पड़ी हुई थी। अब हम हेलीकॉम्स की तरफ जा रहे थे, मेरी फ्रेंड ने कहा इसी यूनिवर्सिटी के अंदर हेलीकॉम्स कॉलेज का भी एक गेट है, हम उस तरफ जाते हैं। और उसने मुझे बताया कि यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा गेट हैं, बट उसको सही फी मतलब एग्जैक्ट नहीं पता था कितने गेट हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो उसके बाद हम आगे चलते गए, हमारे में इतनी कैपेसिटी थी क्योंकि हम लोग साथ साथ वीडियोस बनाते रहे थे तो एंजॉय करते रहते थे। बट जब हमें लगा कि हमारे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म होने वाली है, तो बस हो रही थी और फर्स्ट गेट ये आ चुका था जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन मसला ये था कि हमें एग्जैक्ट गेट का नहीं पता था, लेकिन वो यही कह रही थी कि 8-9 गेट तो मस्ट है। और ये इन्होंने मस्जिद बनाई हुई थी जो कि बहुत खूबसूरत मस्जिद थी, यहाँ पर अजान भी हो रही थी। और ये हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स हम पहुँच चुके हैं फाइनली। आपको पता है जब मैं यहाँ पहुँची ना, तो मेरे मोबाइल की चार्जिंग बहुत कम हो चुकी थी। मैंने आपको अंदर से कॉमर्स कॉलेज दिखाना है, उसके बाद यूँ समझ लिया कि हम घर चले गए थे क्योंकि मेरा मोबाइल डेड हो चुका था। और बस भी आ गई थी तो हम लोग वापस चले गए बस पे। यहाँ पे इनकी एंट्रेंस थी हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, ये डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था जो उन्होंने एक सेपरेट सा कॉलेज बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कोई उनकी वर्कशॉप्स चल रही थी, बट हमें ये कॉलेज बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत लगा। और ऐसे बहुत यहाँ पे ना सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जा रहा था और बहुत मज़े की। और ग्रीनरी तो आपको पता है कि इस यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा थी आस पास, क्योंकि ये सारा जंगल टाइप ही समझ लें। तो मैंने कहा कि मैंने सिर्फ सुना हुआ था कि पंजाब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, आज वनडे मैंने देख ली और हम लोग इतनी भी नहीं देख पाए, सिर्फ 10% देख किया। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट्स भी ज़रूर लाऊंगी। मैं जब जाऊंगी वहाँ से तो मैं आपको हेले कॉलेज कॉमर्स से आगे का पार्ट दिखाऊंगी और आप लोगों के लिए पंजाब न्यू कैंपस फुल आपको दिखाऊंगी कि न्यू कैंपस कैसा है, ताकि अगर आप आने का सोच भी रहे हैं तो आप ये सोचें कि यार हमारे पास कोई राइड होनी चाहिए जिससे हम इस यूनिवर्सिटी में जा सकें।
हमें पता नहीं कैसे कैपेसिटी थी कि हम चलते गए चलते गए चलते गए। अगर हमारा मोबाइल साथ देता तो हम और भी ब्लॉग बनाते, पर टाइम भी ज़्यादा हो चुका था, तकरीबन 4:30 हो चुके थे। पर मेरा मोबाइल बिल्कुल ऑफ होने वाला था और अब हम लोग गेट से बाहर निकल चुके थे। हमें पता चलता बस आने वाली है, हमने बस का वेट किया जो कि ओल्ड कैंपस जाती है। और यही था मेरा ब्लॉग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।